हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप फेसबुक आईडी को डीएक्टिवेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको फेसबुक लाइट या फेसबुक का कोई भी ऐप्स होगा तो उसको आपको ओपन कर लेना है, और जिस आईडी को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं उसको आपको लॉगिन कर देना है। तो मेरा यहाँ पे फेसबुक आईडी लॉगिन है। आपको यहाँ पर राइट साइड में 3 लाइन का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो इस 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो गया है। नीचे स्क्रॉल करना है आपको। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी और सेटिंग। तो हमें सेटिंग एंड प्राइवेसी पे नहीं क्लिक करना है, हमें क्लिक कर देना है सेटिंग वाले ऑप्शन पे। तो सेटिंग पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन का ऑप्शन है। हमें अपना फेसबुक आईडी को डीएक्टिवेट करना है तो हमें क्लिक कर देना है डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन पे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, डिलीट अकाउंट और डीएक्टिवेट अकाउंट। अगर आपको फेसबुक आईडी को परमानेंटली डिलीट करना है तो डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देना है, और अगर आप चाहते हैं फेसबुक आईडी को डीएक्टिवेट करना, हमेशा के लिए डिलीट नहीं करना, तो डीएक्टिवेट अकाउंट पे टिक मार्क कर देना है। तो मैं डीएक्टिवेशन अकाउंट पे टिक मार्क कर दी हूँ। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू अकाउंट डीएक्टिवेशन, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फेसबुक आईडी का पासवर्ड डाल देना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं याद है तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे कर देंगे क्लिक, तो आपका मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आपको ओटीपी आ जाएगा। तो ओटीपी को डाल के आप न्यू पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो हमें अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड याद है तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल दे रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल दी हूँ। अब हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रीजन पूछेगा किस रीजन से आप अपने फेसबुक आईडी को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर ले रही हूँ आई हैव ए प्राइवेसी कंजर्न, इस पर हमें टिक मार्क कर देना है। तो मैं इस पर टिक मार्क कर दे रही हूँ। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, तो इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो गया है। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू का, तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने न्यू पेज ओपन हो गया है। नीचे आपको डीएक्टिवेशन माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो नीचे डीएक्टिवेशन माई अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा फेसबुक आईडी जो है डीएक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे अकाउंट डीएक्टिवेशन सक्सेसफुल लिख दिया है। तो जब भी आप अपने फेसबुक आईडी को लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पासवर्ड डाल के अपने फेसबुक आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।